हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं, चंडीगढ़ में एक लड़की को उठा करके रेप करने की कोशिश की गई है, और कोशिश भी बीजेपी के जो राज्य के पार्टी के अध्यक्ष हैं उनके बेटे के द्वारा। मेरा मानना है कि उस के खिलाफ़ सख्त से सख्त कार्यवाही होनी चाहिए। वह अगर किसी पार्टी के नेता का बेटा है तो इसका मतलब नहीं है उसको छूट दे दी जाए, बल्कि उसके ऊपर और सख्त सज़ा होनी चाहिए। दूसरे लोगों से ज़्यादा सख्त सज़ा उसके लिए होनी चाहिए, ताकि यह एक एग्ज़ाम्पल सेट हो सके। मैं जानता हूँ कि अब उस लड़की के ऊपर दबाव बनाया जाएगा और उसी को दोषी ठहराने जाने की कोशिश की जाएगी। आप सोच सकते हैं कि चंडीगढ़ जैसे सिटी में अगर लड़कियां सुरक्षित नहीं हैं तो बाकी देश का क्या हाल होगा। आज रक्षाबंधन है, हम लड़कियों की रक्षा के लिए आज प्रतिज्ञा लेते हैं, परंतु यह कैसी प्रतिज्ञा है कि हम अपनी बेटियों को सुरक्षित नहीं रख पा रहे हैं इन राजनीतिक गुंडों से। और जो इनके फादर हैं उनको तुरंत जो है बीजेपी से बाहर किया जाना चाहिए। ऐसे गुंडे तत्वों की कोई आवश्यकता नहीं है किसी राजनीतिक पार्टी के अंदर। हम नहीं चाहेंगे कि ऐसे लोग हमारे ऊपर शासन करें जिनके बच्चे गुंडे हों और गुंडों की तरह बर्ताव करते हों। मिस्टर मोदी और मिस्टर खट्टर दोनों इस नेता को बीजेपी से बाहर करें और उस बेटी को जो है सुरक्षा प्रदान की जाए। आप सोच सकते हैं कि एक आईएएस कितना लाचार है आज की तारीख में, तो एक नॉर्मल आदमी के बात क्या की जा सकती है, उसकी बेटियों को कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है इस देश में, जबकि एक आईएएस अपनी बेटी को सुरक्षित नहीं रख पा रहा है। कैसा शासन प्रशासन है खट्टर का। खट्टर जी, या तो आप इस्तीफा दीजिए मोदी जी, या तो खट्टर से इस्तीफा लीजिए, या ये जो आपका बीजेपी का अध्यक्ष है इसको पार्टी से बाहर कीजिए, अन्यथा ये रोना रो छोड़ दीजिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कहाँ बेटी बच रही हैं, किसकी बेटी बचा रहे हैं आप। दोस्तों, मेरा बीजेपी वालों से अनुरोध है कि आप इसकी ज़्यादा से ज़्यादा खिलाफत करें, क्योंकि सच्चा मोदी भक्त वही हो सकता है जो मोदी को इस चीज़ के लिए बाध्य करे। क्योंकि लोग बोलते हैं मोदी भक्त, हाँ भाई मैं भी मोदी भक्त हूँ, परंतु इस चीज़ के लिए मैं किसी भी प्रकार से किसी भी बीजेपी के सदस्य का, किसी भी बीजेपी के पार्टी के अध्यक्ष का, किसी भी मुख्यमंत्री का, मोदी का समर्थन नहीं कर सकता। अगर इनके शासन में मेरी बेटी सुरक्षित नहीं है तो मैं उसका समर्थन नहीं कर सकता। ये मेरा दायित्व तो बनता है कि मैं उस पर प्रेशर बनाऊं और सरकार को कहूं कि उस पर सख्त से सख्त एक्शन लें, जिनकी औलादें इतनी बिगड़ैल हों। क्या इन लोगों को लाइसेंस मिल गया है बीजेपी का अध्यक्ष होने के कारण, इनके बाप को, कि ये किसी की भी बेटी को छेड़ें, किसी भी बेटी के किडनैप करने की कोशिश करें। कौन है ये राजनेता हैं या गुंडे हैं? इन राजनेताओं ने क्या पैदा किया है, बच्चे पैदा किए हैं या गुंडे पैदा किए हैं, क्या पैदा करना चाहते हैं ये लोग? और उसको जमानत दे दी जाती है, अगर जबकि कोई साधारण व्यक्ति होता तो उसको जमानत नहीं दी जाती। अब बीजेपी का कोई भी व्यक्ति नहीं आएगा जो उसकी पिटाई कर सके। दिन दहाड़े लोगों की पिटाई की जाती है इस मामले में। ये बीजेपी के हरियाणा के दुम छल्ले जो है कुत्ते की पूंछ की तरह अंदर घुसा ली सबके सबने। मोदी जी, एक्शन होना चाहिए और सख्त एक्शन होना चाहिए, जिससे लगे कि आपकी पार्टी दूसरी पार्टियों से अलग है। यह कतई भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। मैं बीइंग ए बीजेपी समर्थक, मैं इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर सकता कि इस प्रकार की घटना घटे। और कितना लाचार है वो एक आईएएस
कि वो कुछ भी नहीं कर पा रहा है अपनी बेटी के लिए। तो सोचिएगा, एक मजदूर, एक किसान, एक नॉर्मल आदमी, एक आम आदमी अपनी बेटियों को, अपने बहनों को किस प्रकार से सुरक्षित रख पाएगा। मिस्टर खट्टर, वेक अप, इट इज योर ड्यूटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक हार्ड एक्शन, नॉट एप्रोप्रिएट, हार्ड एक्शन। उस हरामी को जो है इस पार्टी से बाहर किया जाए, उसके बाप को, जो अपने बच्चों पर कंट्रोल नहीं कर सकता, वो हम पे कैसे कंट्रोल कर सकता है? कौन है ये हम पर कंट्रोल लगाम लगाने वाला? कैसे वो हमको सबक दे सकता है अगर वो अपने बच्चों को एक अच्छा सबक नहीं दे सकता? दोस्तों, इसकी अधिक से अधिक इसके खिलाफ आवाज उठाई जाए और इसकी निंदा भी की जाए। मिस्टर राजनाथ, शायद अब कड़ी निंदा नहीं होनी चाहिए इस केस के अंदर, इस पर एक्शन होना चाहिए, और वो भी कड़ा एक्शन, क्योंकि ये राजनेताओं की जिम्मेदारी बनती है कि वो एग्जाम्पल सेट करें अच्छे आचरण का। यदि उनके बच्चे गलत कुछ हरकत करते हैं तो उसके लिए भी हार्ड एक्शन होना चाहिए, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। मिस्टर मोदी, मिस्टर राजनाथ सिंह और मिस्टर खट्टर और मिस्टर शाह, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इसमें उस लड़के के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही होनी चाहिए। और मैं चाहूँगा कि मेरे हरियाणा के जाट भाई जो हैं, क्योंकि मुझे लगता है वो कुंडू लड़की है, कुंडू शायद जाट लोग होते हैं, जागिए और दबाव बनाइए अपनी सरकार पर। केवल आरक्षण के लिए दबाव नहीं, इस चीज़ के लिए भी दबाव बनाया जाए, और इसमें जाट ही नहीं है, हरियाणा के जो राजपूत लोग हैं वो भी जो है इस पर दबाव बनाए। ये आपकी जिम्मेदारी बनती है, ये लोगों के जिम्मेदार लोगों की जिम्मेदारी बनती है समाज के, कि वह सरकार पर दबाव बनाए, अन्यथा ऐसी सरकार की कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसे मुख्यमंत्री कोई आवश्यकता नहीं है इस देश को। थैंक यू एंड धन्यवाद। दोस्तों, कम को ही अधिक समझना, आशा है आप जरूर दबाव बनाएंगे हरियाणा के लोग अपनी सरकार के ऊपर। बाहर सड़कों पर निकलिए, नहीं तो कल को ये नेताओं के बच्चे आपकी बेटियों को सड़कों पर चलने लायक भी नहीं छोड़ेंगे, उनको इतना भयभीत करेंगे कि वो आपकी बेटियां सड़क ऊपर भी नहीं निकल सकेंगी, वो कॉलेज में नहीं जा सकेंगी, वो स्कूलों में नहीं जा सकेंगी। और ये जो नारा दिया जा रहा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यह एक सफुगा मात्र रह जाएगा। मिस्टर मोदी, प्लीज़ टेक एक्शन। बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे दोस्तों।